नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है संप्रदान कारक। संप्रदान को समझने के लिए इसका संधि विच्छेद कर देखते हैं। तो संप्रदान का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम जोड़ प्र जोड़ दान। यहाँ देख रहे सम और प्र क्या है, सम और प्र उपसर्ग है और दान यहाँ पर मूल तत्व है। तो दान जहाँ पर देने का भाव प्रकट होता है, किसी के प्रति कुछ करने का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक होता है। यानी संप्रदान कारक में किसी के प्रति कुछ करने का भाव प्रकट होता है, किसी के प्रति कुछ करने का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। उदाहरण से समझते हैं इसे, भूखे को रोटी दो, यहाँ पर देने का भाव प्रकट हो रहा है भूखे को। यहाँ को क्या है, यह संप्रदान कारक का परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है। वह बच्चों के लिए उपहार लाया, यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ करने का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक के कुछ नियम है, 5 नियम इसके भी हैं। पहला नियम है, किसी के प्रति कुछ करने के अर्थ में के लिए का प्रयोग होता है। मैं अपनी माँ के लिए दवा लाया हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, माँ के लिए यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। वह बच्चों के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पर होगा बच्चों के लिए संप्रदान कारक। उसने छोटी बहन के लिए खिलौने खरीदा, तो यहाँ पर होगा बहन के लिए, यहाँ पर होगा संप्रदान कारक होगा। वह इलाज के लिए रांची जा रहा है, तो इलाज के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक। तो किसी के प्रति कुछ करने का जहाँ भाव प्रकट होता है, तो के लिए वहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। दूसरा जो रूल है, जो नियम है, को वास्ते के निमित्त हेतु के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। पेट के वास्ते आदमी क्या नहीं करता, तो यहाँ होगा पेट के वास्ते, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। यह फूल पूजा के निमित्त है, तो पूजा के निमित्त यहाँ पर संप्रदान कारक है। वीरों ने देश की रक्षा हेतु बलिदान किया, तो यहाँ पर होगा रक्षा हेतु, यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक यहाँ पर देख रहे हैं, को वास्ते के निमित्त हेतु के लिए जहाँ होगा वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तीसरा जो नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, यहाँ इस नियम को समझने के बाद विद्यार्थी संप्रदान कारक में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। गौण कर्म में को का प्रयोग, गौण कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। गौण कर्म का प्रयोग द्विकर्म क्रिया में होता है, तो क्या होता है द्विकर्म क्रिया, जहाँ वाक्य में कर्ता दो कर्मों की अपेक्षा रखती है, वहाँ द्विकर्म क्रिया होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, मंत्री ने गरीबों को कंबल बांटा, ये जो बांटा जो है वह द्विकर्म क्रिया है। तो दो कर्म कौन कौन सा है, कंबल होगा और गरीबों को। तो यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, गरीबों को देखेंगे यहाँ पर तो समझ लेंगे कि वह कर्म कारक है। यहाँ कर्म कारक नहीं है, कौन सा कारक है यहाँ पर होगा, वह संप्रदान कारक होगा। तो बताया गया है कि दो कर्म है, तो कर्मों की पहचान के लिए क्या प्रश्न करेंगे, तो कंबल बांटा, क्या बांटा, तो कंबल, कंबल यहाँ पर मुख्य कर्म है। तो जो मुख्य कर्म होता है वह कर्म कारक होता है, जो परसर्ग रहित है, विभक्ति चिन्ह रहित है, यहाँ पर कु विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, यह कर्म कारक है। और जो गौण कर्म होता है, जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है, वह होता है संप्रदान कारक। तो किसको बांटा, तो गरीबों को, जहाँ पर देने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ गरीबों को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। आनंद ने भिखारी को 5 रुपये दिया, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी द्विकर्म क्रिया है। द्विकर्म क्रिया में दो कर्म होता है, तो जहाँ पर जो सजीव कर्म होगा और जो किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो सजीव कर्म, वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ देख रहे हैं कि आनंद ने भिखारी को 5 रुपये दिया, तो किसको दिया, तो भिखारी को, वह सजीव कर्म है। और यह जो गौण कर्म होता है वह किसके नज़दीक होता है, कर्ता के नज़दीक होता है। और जो ये कर्म कारक है, क्या दिया, क्या दिया, तो रुपए दिया। तो यहाँ
कर्म कारक है जो परसर्ग रहित है, यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है, यह कर्म कारक हो जाएगा और यह जो भिखारी को क्या हो जाएगा, यह संप्रदान कारक होगा, जो सजीव होता है और जो परसर्ग रहित जो कर्म कारक होता है वह निर्जीव होता है, अप्राणीवाचक होता है। तीसरा उदाहरण है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ देख रहे हैं किसको पिलाया, तो बच्चे को, यहाँ पर यह संप्रदान कारक है जो गौण कर्म है। मैंने मित्र को पत्र लिखा, तो मित्र को यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह संप्रदान कारक है। मैं छात्र को व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो छात्र को होगा यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। किसको पढ़ाता हूँ, तो छात्र को, कि आप प्रश्न करेंगे तो परसर्ग रहित, रहित मतलब कि वहाँ विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो परसर्ग रहित कर्म कारक होगा। क्या पढ़ाता हूँ, तो व्याकरण। परसर्ग रहित जो कर्म कारक होता है उसका पहचान करने का तरीका है कि वह क्रिया के नजदीक होता है। पढ़ाता हूँ क्रिया है, इसके नजदीक क्या होगा, यह होगा परसर्ग रहित कर्म कारक है। और जो किसको जो प्रश्न करते हैं जो जवाब मिलता है वह होता है गौण कर्म होता है और यह कर्ता के नजदीक होता है। तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह देकर के अधिकतर विद्यार्थी क्या समझ जाते हैं, उसको कर्म कारक समझते हैं। तो गौण कर्म में हमेशा संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है को के अर्थ में। इसके बाद चौथा नियम है नमस्कार या प्रणाम के अर्थ में को का प्रयोग। उदाहरण से समझते हैं, चाचा जी को प्रणाम, तो यहाँ चाचा जी को क्या होगा, यहाँ पर यह होगा संप्रदान कारक होगा। विद्वत जन को नमस्कार, तो विद्वत जन को यहाँ पर होगा संप्रदान कारक होगा। पांचवा और अंतिम जो नियम है धिक्कार या धन्यवाद के अर्थ में को का प्रयोग। उदाहरण से समझते हैं, पापी को धिक्कार है, यहाँ पापी को कौन सा कारक होगा, वह संप्रदान कारक होगा। अगला उदाहरण है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो यहाँ पर है वह संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक में और कहीं कुछ कंफ्यूजन रहता है, इसे दो उदाहरण से समझते हैं, गरीबों को कपड़े दो, दूसरा उदाहरण है धोबी को कपड़े दो। तो यहाँ देख रहे हैं जब दोनों को जो है वह कपड़े देने की बात की जा रही है, तो यहाँ जो है गरीबों को यहाँ पर कौन सा कारक होगा, यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। लेकिन धोबी को कपड़े दो, यहाँ धोबी को संप्रदान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक का मुख्य तत्व यह समझ लीजिए कि जहाँ किसी व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए सदा के लिए लाइफ टाइम के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धोबी को कपड़े दो, तो धोबी को कपड़ा जो दिया गया है वह धुलने के लिए दिया गया है, प्रेस करने के लिए दिया गया है, बाद में उसे वापस ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर देने का भाव प्रकट हो रहा है तो कुछ समय के लिए, लेकिन वापस लेना है तो यहाँ पर संप्रदान कारक यहाँ पर नहीं होगा। तो कौन सा कारक होगा, यहाँ पर कर्म कारक होगा। और गरीबों को कपड़े दो यहाँ पर होगा वह संप्रदान कारक के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, दान देने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और क्या बताया गया यहाँ पर, गौण कर्म। गौण कर्म में जहाँ पर जो है वह किसको प्रश्न करते हैं और यह कर्ता के नज़दीक होता है वह संप्रदान कारक होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हिंदी परख को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।